नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कैसे प्लेटफॉर्म की जो कि सोशल मीडिया मल्टीमीडिया से कनेक्टेड है, जस्ट लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल प्लस, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन डेली टू डेली लाइफ में वहाँ से हमें अर्निंग नहीं होती। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हर साल मिलियंस डॉलर्स में अर्निंग करता है, लेकिन उसका 1% भी अपना जो हिस्सा है वो फेसबुक यूजर बेस में कभी शेयर नहीं करता। तो जस्ट लाइक फेसबुक की तरह एक प्लेटफॉर्म है फ्यूचरनेट क्लब, जिस तरह से आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट है इसके ऊपर, अपर केस पे, राइट केस पे, लेफ्ट, डाउन, और इसके कुछ गेम्स के एप्लीकेशन है, यानी कि यह रेवेन्यू शेयर का जो प्रोग्राम है, रेवेन्यू जनरेट करता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से। कुछ इंटरनेट टूल्स हैं इसके, और इसके कुछ प्रोडक्ट बेस के जो प्लान है कुछ वहाँ से रेवेन्यू शेयर करता है। तो अगर हम फेसबुक की तरह फ्यूचर नेट क्लब को यूज़ करें, लाइक, पोस्ट, शेयर, कमेंट करें, तो यहाँ से हम अर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े उससे पहले अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, ताकि आपको टाइम टू टाइम फ्यूचर नेट क्लब और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे गाइज। ठीक है गाइज, तो आगे हम फ्यूचर नेट क्लब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं आपको यह ज्वाइन करना चाहिए, और ये इसका जो लिंक है यहाँ के इस लिंक से के माध्यम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट मेरा पीपीटी है उसको आप देखिए, तो आपको उसके फ्यूचर नेट क्लब के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है गाइस, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अगर आप यूज़ करें तो आप वहाँ से मनी अर्न कर सकते हैं बिटकॉइन के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं, जैसा कि आप सब लोग, हम सब लोग, मैं भी जितना सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया में जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, और SMS, गूगल प्लस, काफ़ी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया में और मल्टीमीडिया में। तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें वहाँ पर अर्निंग मिलती है जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो क्या हमारा जो टाइम हम स्पेंड करते हैं और उस टाइम से हम वहाँ पे अर्निंग ला पा रहे हैं, किसी भी तरीके से हमें अर्निंग मिल रही है? क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया हैं, जो पब्लिक गैदरिंग है, जितनी भी पब्लिक इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में जो भी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो सोशल मीडिया उन लोगों को यूजर बेस बना करके उन लोगों से अर्निंग करता है। ठीक है, यानी कि अर्निंग करता है एडवर्टाइजमेंट से, यूट्यूब वीडियो से, वेबसाइट से, गूगल एडसेंस से, मोनेटाइजेशन से। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से सोशल मीडिया को अर्निंग हम दे रहे हैं। जैसे कि मोरओवर 3 अरब से ज़्यादा लोग आज इंटरनेशनली सोशल मीडिया साइट्स को यूज़ करते हैं, क्या वो सभी लोग अर्निंग ले पा रहे हैं वहाँ से? सोचने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक 13 से 14 साल से कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो क्या आपने, हमने फेसबुक से आज तक कुछ अर्न किया है? जितना टाइम हम फेसबुक में लगाते हैं, चैट करते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर, अपलोड, वॉलपेपर, वेबसाइट्स के लिंक, यूट्यूब के वीडियो, वेबसाइट्स के लिंक और एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीज़ों से फेसबुक का जो 1 साल का अर्निंग है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, $60 मिलियन से ज़्यादा का फेसबुक का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग है। ठीक है दोस्तों, तो मैं फेसबुक के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं भी फेसबुक यूज़ करता हूँ, फेसबुक के द्वारा ही आज मैं इस मुकाम पे हूँ और हमारी जो फ्रेंडशिप है वो फेसबुक के थ्रू ही हुई है, तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, जस्ट मैं कंपेयर कर रहा हूँ आपको, जैसा कि फेसबुक कर रही है आज की दुनिया में एडवर्टाइजमेंट से, यूट्यूब से, गूगल एडसेंस से, वेबसाइट्स के लिंक और काफ़ी चीज़ों से, जो एफिलिएट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है फेसबुक, उसको यूज़ करके हम फेसबुक को अर्निंग दे रहे हैं। जो भी हमारे डाटा वगैरह हैं वहाँ पे अपलोड रहते हैं सर्वर में, तो फेसबुक क्या कर रही है, अभी हमारा यूज़ कर रही है, हम फेसबुक को अर्न करके दे रहे हैं। ठीक है, और जितना भी अपना जो डाटा होता है फेसबुक पे वो इनके सर्वर्स में लोड रहता है। ठीक है, तो फेसबुक में सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा गारंटी कोई दे नहीं सकता, ज़्यादा गारंटी दे नहीं सकता। ठीक है,
तो फेसबुक क्या कर रहा है कि हमारा यूज़ कर रहा है और हम आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं, तो फेसबुक की तरह ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है जिस पे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपलोड कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए और कुछ सेंट्स में अर्निंग लीजिए वहाँ पे बिटकॉइन के रूप में। तो जितना टाइम हम फेसबुक पे स्पेंड करते हैं, इतना टाइम हम वहाँ भी स्पेंड करें तो वहाँ पर हमें अर्निंग मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम जितने भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म से हमें अर्निंग नहीं प्राप्त हो रही है। ठीक है, सोचने वाली बात है दोस्तों। तो हम अपने फ्यूचर को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं दोस्तों? ठीक है, जैसा कि हम इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट भी होता है डेली बेसिस पे, 1-2 घंटा, 3 घंटा जो भी आप टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पर, तो हमारा फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है और 24 घंटे में से हमारा वो टाइम हम जो यूज़ कर रहे हैं, अगर वो टाइम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया जाए तो वहाँ से सेम चीज़ करने अर्निंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये आपको सोचने वाली बात है। जितने भी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो सवाल ये है कि उन लोगों को आज तक अर्निंग हुई है या नहीं हुई है? तो आंसर सिंपल है दोस्तों कि उन लोगों को अर्निंग अभी तक नहीं हुई है, आंसर नो है। ठीक है, तो दोस्तों अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रहे हैं आपको, एक ऐसी वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके गाइस, तो उस चीज़ का नाम है फ्यूचरनेट। ठीक है, फ्यूचरनेट 2014 में स्टार्ट हुआ था, पोलैंड से स्टार्ट हुआ था, 45 इसके लीगल मेंबर्स हैं इस कंपनी के। उन्होंने फ्यूचर नेट क्लब के माध्यम से एक सोशल नेटवर्किंग मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म रेडी किया था, तब से लेकर के अभी तक इनके टोटल इंटरनेशनली 2.5 मिलियन मेंबर से ज़्यादा इनके यूज़र बेस हैं एट प्रजेंट। 2016 में अप्रैल में इन्होंने अपना एक रेव शेयर का प्लान लॉन्च किया था और उसके बाद एक मैट्रिक्स अप का प्लान लॉन्च किया था, जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर नेट का रेव शेयर प्लान क्या है, मैट्रिक्स का प्लान क्या है। ठीक है, और भी इसके साथ काफ़ी प्लेटफॉर्म है अर्निंग के, स्टेबल अर्निंग के। इनके पास दोस्तों एक फ्यूचर का विजन है। ठीक है, आप वहाँ पे अपना ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हैं। जैसा कि आपको आने वाले दिनों में न्यूज़ जानने को मिल रही है कि फेसबुक का काफ़ी ट्रैफिक वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर नेट क्लब पर। तो फेसबुक को ये लगने लग गया है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उसकी जो रियलिटी है वो लोगों को पता चल चुकी है कि उन लोग जितने भी इंटरनेशनल जुड़े हुए हैं, फ्री में उनको यूज़र बेस मिल रहा है और उस यूज़र बेस का एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से फेसबुक पर डे कितना अर्निंग कर रहा है, पर ईयर कितना अर्निंग कर रहा है दोस्तों, और उस अर्निंग में से आपसे कभी फेसबुक अर्निंग शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फेसबुक भी आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाला है और फ्यूचर नेट के प्लान अभी चल रहे हैं। फ्यूचर नेट क्लब जस्ट लाइक फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दूसरा उसका रेव शेयर का प्रोग्राम है, तीसरा इसका फ्यूचर नेट मैट्रिक्स का प्लान है, फोर्थ इसका फ्यूचर कॉइन जो कि 31 जनवरी को लिस्ट होने वाला है, और उसको देखते हुए, उसकी मार्केट को देखते हुए, उसके यूज़र बेस को देखते हुए फ्यूचर नेट क्लब को, फ्यूचर नेट क्लब से प्रेरणा लेकर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने ऐलान किया है कि वो क्रिप्टो करेंसी को स्टडी कर रहा है और उसके बाद वो भी अपना लॉन्च करेगा कॉइन। तो दोस्तों यह सब फ्यूचर नेट क्लब का ही कमाल है। आने वाले टाइम में अगर हम फ्यूचर नेट क्लब के हर प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो यहाँ से लॉन्ग विजन में, इनका विजन है दोस्तों फ्यूचर का, तो स्टेबल कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि कंपनी रहेगी कि भाग जाएगी, तो इस तरह का इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, 2014 से चल रहा है और हर ईयर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म ला रहे हैं और अभी इनका एक फ्यूचर कॉइन आने वाला है, तो जैसे वो कॉइन लॉन्च होगा तो वो बूम करेगा एकदम से और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा मार्केट में उसका। ठीक है, तो फ्यूचर नेट मल्टीमीडिया नेटवर्क क्लब से आप जुड़ते हैं तो आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। जितना टाइम आप सोशल मीडिया की जो वेबसाइट से वहाँ पे स्पेंड करते हैं वहाँ से आपको अर्निंग नहीं होती, सेम टाइम आपको फ्यूचर नेट क्लब के साथ स्पेंड करना है और अर्निंग लीजिए यहाँ पे डेली। हर 15 मिनट में अर्निंग है गाइस, 15 मिनट में, हर 15 मिनट में यहाँ से अर्निंग उठा सकते हैं आप। ठीक है,
फ्यूचरनेट क्लब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है। फ्यूचरनेट आपको एक ऐसी वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जो कि आप उसके साथ जुड़कर अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं गाइज, ठीक है। और फ्यूचरनेट क्लब के बारे में आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ। यहाँ पे आप सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, अर्निंग लीजिए, ठीक है। फ्यूचरनेट क्लब का मल्टीमीडिया यूज़ कीजिए आप, यहाँ पे अर्निंग लीजिए। फ्यूचरनेट क्लब का सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, उसके बाद एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के इनके कुछ कैसिनोज हैं, बार्स हैं, कैफेटेरियाज हैं फ्यूचरनेट क्लब के यूरोपियन कंट्रीज़ में, हर जगह वेल एस्टेब्लिश है। और इंटरनेशनली इनके होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हवाई टिकट्स काफ़ी इंटरनेशनली बूम हो रहा है। तो ओरिजिन के फ्यूचरनेट के गेम्स भी हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड क्लास गेम्स हैं, ठीक है गाइस। तो एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचरनेट क्लब के इंटरनेट टूल्स भी हैं। आप इनके इंटरनेट टूल्स यूज़ करके वहाँ से भी अर्निंग ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लैंडिंग पेज बना सकते हैं, वीडियो मेल्स सेंड कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं और क्लाउड बना सकते हैं। जैसे मोबाइल में आपका क्लाउड ट्रैफिक होता है, क्लाउड स्पेस होता है, इस तरह इनका भी क्लाउड स्पेस है। और इनके वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स है, लैंडिंग पेज है, ईमेल्स, वीडियो मेल्स, ये सब ऑनलाइन टूल्स आपको प्रोवाइड करता है फ्यूचरनेट क्लब, जो कि एक काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, यहाँ से ये सब सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट टूल्स यूज़ करके तो पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग तो रहेगी गाइस, यहाँ से हम अर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी अर्निंग यहाँ से हमें मिल रही है, ठीक है। तो और फ्यूचरनेट एक एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम भी प्रोड्यूस करता है, उस एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम का नाम है फ्यूचर एड प्रो। वहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट्स के पैक्स ले सकते हैं। अर्निंग है थोड़ी स्लो है लेकिन स्टेबल है एड पैक्स में। उसके बाद मैट्रिक्स में है, काफ़ी बड़ी अर्निंग है, एक $10 की अर्निंग से आप $50,000 तक अप्रोक्सीमेट उस एक आईडी पे कमा सकते हैं, अगर आप उसमें एमएलएम की तरह काम करें तो 3x3x10th लेवल तक। जो मैट्रिक्स का प्लान है वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगा बाद में, ठीक है। तो इस तरह से आप सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, मल्टीमीडिया यूज़ कीजिए और अर्निंग यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है गाइस। फेसबुक की तरह आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पोस्ट कीजिए और फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, तो आप यहाँ से कुछ सेंट्स में अर्निंग ले सकते हैं। आप अपने फ्यूचर को बनाइए फ्यूचरनेट क्लब के साथ, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे, और प्रीमियम मेंबरशिप भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और फ्री में रजिस्ट्रेशन है गाइज, तो आपके ऊपर है। आप अगर पैसा बनाना चाहते हैं फ्यूचरनेट क्लब के साथ जुड़ के तो बना सकते हैं, ठीक है गाइस। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।